इंडियन आइडल सीजन 11 के फिनाले आज है और ऐसे में आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर कौन बनेंगे जो इंडियन आइडल सीजन 11 है उसके विजेता। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को जो फाइनलिस्ट है उनके नाम पता नहीं है तो आप लोगों को एक बार फिर से मैं बता दूं कि इंडियन आइडल सीजन 11 के जो फाइनलिस्ट है उनका नाम है सनी हिंदुस्तानी, रोहित राउत, और उसके बाद आप लोगों को बता दूं कि रिधम कल्याण, अनुकोना मुखर्जी और अंतिम और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अड्रीज घोष है। तो इन्हीं में से कोई एक जो है आज अपने नाम कर जाएगा इंडियन आइडल सीजन 11 का वो शानदार ट्रॉफी, साथ ही साथ इंडियन आइडल 11 की किताब। तो आप लोगों को जो फेवरेट होगा उनको तो आप लोगों ने भर भर के वोट दिया ही होगा, लेकिन जो आप लोगों को पता नहीं चल पाता है कि किसको जो है कितना वोट मिला है और कौन जीत सकता है इंडियन आइडल सीजन 11 की किताब, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो फाइनलिस्ट है उनमें से जिन जिन के बीच ये ट्रॉफी के लिए सबसे कड़ा मुकाबला हो रहा है वो है सनी हिंदुस्तानी, रोहित राउत और अनुकोना मुखर्जी। इन्हीं तीनों के बीच जो है कड़ा मुकाबला चल रहा है और वही थोड़ा थोड़ा जो मुकाबले में टक्कर दे रहे हैं उनका नाम है रिधम कल्याण। तो इसमें जो रियल वोट होती है यानी कि किनको कितने वोट मिले हैं वो तो चैनल या फिर शो जो है कभी भी पब्लिश नहीं करती है, लेकिन अगर हम सूत्रों के माने तो जो टॉप टू में रहने वाली हैं उनका नाम है सनी हिंदुस्तानी और अनुकोना मुखर्जी। ये हमारे सूत्रों का दावा है और ये बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से खबर आ रही है कि टॉप टू में यही दोनों होंगे, सनी हिंदुस्तानी और अनुकोना मुखर्जी, जिनके बीच में होगी फिनाले की लड़ाई यानी कि उस ट्रॉफी की लड़ाई जिसके लिए पिछले 3.5 महीने से ये सब जो है कड़ा संघर्ष करते हुए आ रहे थे। तो आप लोगों को अब देरी न लगाते हुए मैं बता दे रहा हूँ कि कौन बनेंगे इंडियन आइडल सीजन 11 के विजेता। तो सबसे अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग जो है अभी तक उस सीजन में जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा दर्शकों के द्वारा प्यार किया जाता है, पसंद किया जाता है, उनका नाम है सनी हिंदुस्तानी। तो बहुत ये चांस है कि सनी हिंदुस्तानी जो है इंडियन आइडल सीजन 11 के विजेता बन जाए और वो अपने नाम कर जाए इंडियन आइडल सीजन 11 की किताब। लेकिन थोड़ा बहुत चांस अनुकोना मुखर्जी को भी है क्योंकि आप लोगों को जैसा कि पता होगा वो पहले भी इंडियन आइडल में आ चुकी है तो उनकी फैन बेस जो है वो बहुत ज़्यादा है और उनको भी जो है भर भर के वोट मिल रहे हैं तो वो भी बन सकती है विनर। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अभी कोई अगर जीतेगी इंडियन आइडल 13 का किताब तो इन दोनों में से कोई होगा इंडियन आइडल 11। बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा, दर्शकों का बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार मिला, तो इन्हीं दोनों में से कोई बनेंगे इंडियन आइडल 11 के विनर। तो आपका फेवरेट कौन है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।